हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है इससे, इस सेक्शन से क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धिज्म की जो शुरुआत की थी गौतम बुद्ध ने, और गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में नेपाल में हुआ था। नेपाल की जगह का नाम था लुम्बिनी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर का नाम जो था वो सुशोधन था, और मदर की नाम की बात किया जाए तो महामाया उनकी मदर का नाम था। और जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो है, इनकी माता का जो है डेथ हो गई थी। तो इनकी जो देख रेख है उनकी दाई माँ गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। 16 साल की उम्र में इन गौतम बुद्ध की जो है यशोदरा से शादी करा दी गई, और इनसे जो सन पैदा हुआ उनका नाम था राहुल। 29 की उम्र में ये अपना घरवार महल सारा चीज़ छोड़ के ये सच की तलाश में चले गए, जिसे महाविनिष्क्रम कहते हैं। और महाविनिष्क्रम जो शब्द है उसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे अभी काफ़ी टर्म आएंगे, जैसे निर्वाण आएगा, महानिर्वाण आएगा, ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 6 साल तक ये इसी तरह जंगल में भटकते रहे सच्चाई की तलाश में। 35 साल की उम्र में, 6 साल बाद जब 35 साल की उम्र हुई इनकी, तो ये निरंजना नदी के किनारे जो बोध गया में है इस समय, वहाँ पे इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं। और जहाँ इन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त किया वो पीपल का पेड़ के नीचे था। पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, और ये पीपल का पेड़ आज भी वहाँ पे है, बिहार में बोध गया जगह है, वहाँ पे है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिए, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन जो है, या फिर गौतम बुद्ध जो है अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिए थे, तो ये इसका आंसर होगा सारनाथ, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो गौतम बुद्ध की जो डेथ है वो कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिवान कहा जाता है। तो ये 4 चीज़ आप ध्यान रखेंगे, महाविनिष्क्रम, धम्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण और महापरिवर्तन, महापरिवान। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो सारनाथ से है, हमारा नेशनल एम्बलम जो है ये सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 लायन है, और जिसमें हॉर्स, बुल, एक चक्र है। बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और जो इनकी सेक्रेट बुक है, जैसे जो हिंदूज की जो सेक्रेट बुक है वो श्रीमद्भगवद गीता है, और इसी तरह मुस्लिम की जो है वो कुरान है। तो बुद्धिस्ट जो सेक्रेट बुक है उसे त्रिपिटकास कहा जाता है, तो वो जो है पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये एग्ज़ाम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म इज त्रिपिटकास, ठीक है। गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जो है जो बुद्धिस्ट धर्म है उसको, उनके जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए 4 काउंसिल बनाई गई, बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई गई, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 483 BC में राजगीर में अजात शत्रु ने इसे स्टार्ट किया, और इस धर्म, इनके जो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन थे उनको इकट्ठा करके अलग देशों में फैलाया। जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो वैशाली में हुआ था, काल अशोक इसके आप कह सकते हैं जो इनके काल अशोक थे, इन्होंने ये स्थापित किया। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में अशोक ने इसको ऑर्गेनाइज किया। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्क थे उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। तो ये चारों जो जगह है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, और इनके साथ साथ किन्होंने किन राजाओं ने इसे ऑर्गेनाइज किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक याद करने का तरीका ये है कि आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगीर के लिए आर वी पी के, और यहाँ किसने ऑर्गेनाइज किया, ए के, ठीक है। तो इस तरह आप शॉर्टकट भी याद कर सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। सो फ्रेंड, ये थी
बुद्धिज़्म के बारे में। इस वीडियो में मैंने वही पॉइंट उठाया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे फालतू मैंने कोई भी चीज़ नहीं लिया है। सो ये फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।